गुरद्वारा सीसगंज साहब जाने वाली संगतों के उपर लग्या 10 लाख रुपये का जुर्माना। जी हाँ, ये खबर सुन के तुसी हैरान जरूर रह गए होवोगे कि आखिरकार 10 लाख रुपये का जुर्माना, वह भी गुरद्वारा साहब जाने वाली संगतों के उपर। जी हाँ, जो जो संगत गुरद्वारा सीसगंज साहब जांदियां ने उन्हां दे उपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग गया। तो जुर्माना लगाया भी किसने? दिल्ली की आम आदमी सरकार ने। पूरी खबर सुन के तुहाडे पैरां थल्लों जमीन जरूर निकल जाएगी। ऐसे लिए बने रहो वीडियो दे अंत तक। जेकर तुसी साडे चैनल दे उपर नवे हो, साडा चैनल दुख पंजनी टीवी नूं सबसक्राइब करके नाल लगदे बैल आइकन नूं दबा दिओ, तां जो आउण वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन है बड़ी आसानी नाल तुहाडे तक पहुंच जावे। ते नाल दी नाल इस वीडियो नूं ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी कर दिओ, तां जो इदां दी जानकारी है इस तों कोई वांझा ना रह सके। ज्यादा देर ना लैंदे होए गल करदे हां अज दे इस खास विशे दे उपर। सब तों पहले अपने रसना नूं पवित्र करो, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, एक खबर है जो बड़ी ही हैरान करन देण वाली खबर है कि गुरद्वारा सीसगंज साहब जो भी सिख संगतां जांदियां ने उन्हां नूं 10 लाख रुपये का जुर्माना देना पै रहा है। सो आखिरकार किवें कि गुरद्वारा जाना भी गुनाह हो गया? जो जो संगतां गुरद्वारे जांदियां ने 10 लाख तों वध दा जुर्माना तां भर चुकियां ने, की कारण है? पूरी गल्लबात तुहानूं जाणू करवा। साध संगत जी, गलबात यह है कि जो हिंदू वीर या सिख वीर जो दिल्ली दे विच आउंदे ने अते उन्हां दे मन दे विच दिली इच्छा हुंदी है कि गुरद्वारा सीसगंज साहब जाया जावे, उत्थे नतमस्तक हो जावे। पर की हुंदा है? दिल्ली दी सरकार वल्लों जुर्माना लाया जांदा है। ते इस तों पहलां 10 लाख रुपये का जुर्माना संगतां भर चुकियां ने। जेकर पूरे साल की आपां गल करिए तां 2 करोड़ तों वध दा जुर्माना सिख संगतां ने भरिया है। गल यह है कि जो संगतां गुरद्वारा साहब दर्शनां दे लई आउंदियां ने तां ऑनलाइन चलान कट्टे जांदे ने उन्हां दीआं कार चलान करना या दिल्ली की सरकार वालों इन्नी धक्काशाही करनी जायज है या फिर नजायज? अपने विचार कमेंट बॉक्स जरूर दिओ, वीडियो नूं वध तों वध शेयर भी करो। गुरफतेह प्रवान करो, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।